करना है कि आपके वोट को इज्जत मिलेगी, आपकी अमानत मेरा ईमान है, इज्जत जिल्लत देना मेरे अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इलेक्शन वाले दिन मेरा परवरदिगार ये अपनी आपके हाथ में दे देता है जो उनको जो सिर्फ उसके पास में, जिसके निशान पे आप ठप्पा लगाओगे वो कामयाब होता है, अल्लाह उसको इज्जत देता है, और जिसके निशान पे नहीं लगता उसके लिए और मामला होता है। मेरे बुजुर्गों भाइयों दोस्तों, एक बहुत बड़ी अमानत है। आज इंशाल्लाह मैं पिछले कई दिनों से मुल्तान में हूँ, मैं अपने भाई वहीद साहब को, आमिर को, छोटे भाई को, तमाम यहाँ पे जितने काउंसलर्स हैं, जितने वाइस चेयरमैन हैं, जितने चेयरमैन हैं, मेरी माएं बहनें मौजूद हैं, मेरे नौजवान भाई मौजूद हैं, हमने कल हर सूरत में निकलना है, इंशाल्लाह रुकावटों को अबूर करना है, और इंशाल्लाह अपने कायदीन का ऐसा इस्तकबाल करना है कि इमरान खान को पता चल जाए, उसको बताना पड़ेगा बहुत लाउड एंड क्लियरली कि तुम एक नाअहल हो, तुम एक कठपुतली हो, और पिछले दो तीन दिनों से जो इंतजामिया हमारे घरों में वर्कर के साथ कर रही है या जो कुछ भी इसकी डायरेक्शन पे हो रहा है, तुम एक बुजदिल इंसान हो और मुल्तान की सरजमीन ने तुम्हारी बुजदिली देख ली है। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब ये बादल छट जाएंगे और जिन लोगों के घर में पुलिस गई है या जिन पे FIR हुई है, ये FIR है और ये वक्त संभाल के रखना इंशाल्लाह। अब वो दौर आएगा राणा सनाउल्ला साहब और अवैस भाई की क्यादत में वर्कर की कदर होगी। ये FIR है, वक्त आने पे इनका मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। इमरान खान का